हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ क्लास फिफ्थ के पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के ईवीएस के चैप्टर 1 से लेके 12th चैप्टर तक के सारे क्वेश्चन आंसर्स बैक एक्सरसाइज सॉल्व। तो उसी को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1, चेंजिंग फैमिली ट्रेंड से। फॉर हाउ मैनी आवर्स डू यू वॉच टेलीविज़न इन अ डे, एक दिन में आप कितने घंटों तक टीवी देखते हैं। तो इसका आंसर आप खुद के हिसाब से लिख सकते हैं। वी वॉच टेलीविज़न फॉर डैश आर इन अ डे, एक दिन में जितने भी घंटे आप टीवी देखते हो वो आप लिख सकते हो। हाउ डू यू हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स, घर के कामों में आप कैसे मदद करते हो। आई हेल्प इन हाउस होल्ड वर्क्स बाई क्लीनिंग वॉशिंग क्लॉथ्स विद माई मदर, साफ सफाई में, कपड़े धोने में, एंड सेटलिंग थिंग्स, और चीज़ों को सही जगह के ऊपर रखने से। हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड विद योर ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स, आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स और पेरेंट्स के साथ कितना समय बिताते हैं। आई स्पेंड मोस्ट ऑफ माई फ्री टाइम विद माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड पेरेंट्स, मैं ज़्यादातर अपना फ्री समय जो है, खाली समय है जो है, अपने माता पिता और अपने दादा दादी के साथ बिताता हूँ। नेक्स्ट इज फिलिंग द ब्लैंक्स। नंबर 1 इज अर्लियर द फैमिलीज़ वर वेरी डैश, पुराने ज़माने में फैमिलीज जो हैं वो पहले क्या होती थी, वेरी बिग, बड़ी होती थी। इन ओल्ड टाइम्स द डैश ऑफ द पीपल वर लिमिटेड, पुराने ज़मानों में लोगों की क्या कम थी, नीड्स, ज़रूरतें कम थी। नाउ डैश हैज़ डेवलप्ड सो मच, आज के ज़माने में किसने तरक्की कर ली है, साइंस ने। वंस ओन डैश इज़ ऑलवेज द बेस्ट, एक इंसान की ये हमेशा उसके लिए बेस्ट होती है, क्या उसकी कंट्री, उसका देश उसके लिए हमेशा बेस्ट होता है। दीज डेज मच वर्क इज़ डन विद द डैश, आज के दिनों में काफ़ी सारा काम इसकी मदद से किया जाता है, किसकी, मशीन्स की। न्यू जनरेशन डिमांड्स डैश, नई जनरेशन के बच्चों को क्या चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, हर चीज़ की फैसिलिटी उनको चाहिए। नेक्स्ट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन एंड क्रॉस द रॉन्ग सेंटेंस, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द ग्रैंड फादर देयर वर ओनली क्ले टॉयज, दादाजी के समय पर सिर्फ क्ले टॉयज ही हुआ करते थे। आंसर इज ट्रू, एजुकेशन हैज़ प्रिवेल्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद एजुकेशन काफ़ी बढ़ गई है। आंसर क्या है, ट्रू है। द चिल्ड्रन डू नॉट नीड द केयर ऑफ देयर पेरेंट्स, बच्चों को अपने माता पिता की केयर की ज़रूरत नहीं है, होती है कि नहीं होती, होती है, इसलिए आंसर क्या है, फॉल्स। वी शुड नॉट वॉच टेलीविज़न फॉर अ लॉन्ग टाइम, हमें ज़्यादा समय तक टीवी नहीं देखना चाहिए। आंसर इज़ ट्रू, वी शुड स्पेंड टाइम विद आवर ग्रैंड पेरेंट्स, हमें हमारे दादा दादी के साथ समय व्यतीत करना चाहिए। आंसर इज़ ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, इन ओल्ड टाइम्स, पुराने जमाने में, पुराने समय में, वट काइंड ऑफ टॉयज डिड दी चिल्ड्रन हैव, बच्चों के पास किस तरीके के टॉयज होते थे। दे हैव टॉयज मेड अप फ्रॉम क्ले ओनली, उनके पास सिर्फ क्ले के बने हुए टॉयज हुआ करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फैसिलिटीज़ डू द यूथ एंड चिल्ड्रन ऑफ द डे वॉन्ट, आज के ज़माने के बच्चों को, जवान बच्चों को क्या फैसिलिटीज़ चाहिए। दे वॉन्ट लेटेस्ट मॉडल ऑफ मोबाइल फ़ोन्स, उनको आज कल के नए आए हुए मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, कंप्यूटर्स चाहिए, मोटरसाइकिल्स एंड लग्जूरियस लाइफ, और अच्छी खासी ज़िंदगी भी उन्हें चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू सम यंग पीपल वॉन्ट टू गो अब्रॉड, जवान लोग जो हैं वो अब्रॉड मतलब बाहर के देशों में जाना क्यों चाहते हैं। दे थिंक दैट दे कैन अर्न मोर, वो सोचते हैं कि वो बाहर जाके ज़्यादा कमाई कर सकते हैं बाय वर्किंग इन अब्रॉड, अब्रॉड में काम करने से, एंड कैन हैव बेटर एंड लग्जूरियस लाइफ, और उनकी ज़िंदगी जो है ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा लग्जूरियस हो सकती है। वट आर द एडवांटेजेस ऑफ लिविंग इन दी जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली में रहने के फ़ायदे क्या हैं। चिल्ड्रेन रिमेन सेफ एंड ग्रो अप बेटर इन जॉइंट फैमिली, बच्चे जो है जॉइंट फैमिली में रहने से सुरक्षित रहते हैं और अच्छे से बढ़ सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, व्हाट चेंजेस आर टेकिंग प्लेस इन फैमिलीज विद द चेंजिंग टाइम, समय के साथ बदलने के साथ परिवारों में क्या बदलाव आ रहे हैं। इन ओल्ड टाइम्स पीपल लिव्स विदाउट एनी गैजेट, पुराने ज़माने में बच्चे बिना किसी गैजेट के रहते थे। बट विद चेंज इन टाइम, समय के बदलने के साथ, वन कैन नॉट डू देयर वर्क विदाउट दीज गैजेट, आज के ज़माने में कोई भी इंसान इन गैजेट्स के बिना अपना काम नहीं कर सकता। तो सबसे बड़ा बदलाव जो है फैमिलीज़ में ये आया है। नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 2, डैट इज़ माइग्रेशन, जिसको बोलते हैं प्रवास। तो लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जाते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी कुछ बेसिक ज़रूरतें होती हैं, तो उसी के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम। शुरू करते हैं फिलिंग दी ब्लैंक से। नंबर 1 इज द ए डैश वॉज बींग कंस्ट्रक्टेड फार अवे फ्रॉम द सिटी, सिटी से काफ़ी दूर एक चीज़ बनाई जा रही थी, क्या थी, द थर्मल प्लांट। पीपल कमिंग फ्रॉम द अदर स्टेट्स फॉर वर्क आर कॉल्ड डैश, जो लोग दूसरे स्टेट से आते हैं काम के लिए उनको क्या बोलते हैं, माइग्रेंट्स बोलते हैं।
मैनी पीपल हैव टू गो फार अवे फॉर डैश, काफ़ी लोगों को दूर जाना पड़ता है किस लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, उनके रोजगारी के लिए, उनके काम के लिए। पीपल लिविंग इन हट्स हैव टू फेस मैनी डैश इन थंडरस्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म मतलब तूफान के दिनों में जो लोग हट्स में रहते हैं उन्हें काफ़ी इनका सामना करना पड़ता है, काफ़ी किसका सामना, काफ़ी मुसीबतों का, काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं, अब है हमारे पास टिक दी करेक्ट आंसर एमसीक्यूज़ हैं। सोनूस फादर वॉज अ डैश, सोनू के पिता क्या थे, इंजीनियर थे। वट वॉज टू बी डैमेज फॉर वाइडनिंग दी रोड, सड़कों को चौड़ा करने के लिए, बड़ा करने के लिए क्या डैमेज करना पड़ता था, हट्स झोंपड़ियाँ जो है वो सड़कों के किनारे पे जो थी उन्हें तोड़ना पड़ता था। हाउ डू वी फील लिविंग इन स्मॉल रूम्स, छोटे कमरों में रहने से हमें कैसा महसूस होता है, डिफ़िकल्ट, हमें मुश्किल आती है। वट वॉज बिल्ट फॉर पीपल वर्किंग इन थर्मल प्लांट, थर्मल प्लांट में रहने वाले लोगों के लिए क्या बनाया गया, कॉलोनीज बनाएगी उनके रहने के लिए। Why had Sonu's father to come to the new place? सोनू के पिता को नई जगह के ऊपर रहने के लिए क्यों आना पड़ा? They have to shift because the new thermal plant was situated far away from the city. उन्हें shift इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनकी जो नौकरी की जगह थी, जो नया thermal plant था जहाँ पे वो काम करते थे, वो शहर से काफ़ी ज़्यादा दूर था। Next question, who are called migrants? Migrants किसे कहते हैं? पीपल कमिंग फ्राम अदर स्टेट्स इन सर्च ऑफ वर्क, जो लोग दूसरे शहरों से आते हैं काम की तलाश में उन्हें हम माइग्रेंट बोल देते हैं। वाई द पीपल हैव टू माइग्रेट, लोगों को माइग्रेट करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? पीपल हैव टू माइग्रेट ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ फूड इन फ्लड्स एंड ड्रॉट लाइक सिचुएशंस, जब बाढ़ आ जाती है या फिर सूखा पड़ जाता है तब लोगों को खाने की कमी के वजह से माइग्रेट करना ही पड़ता है। वाई डू द चिल्ड्रेन ऑफ द माइग्रेंट्स फेस प्रॉब्लम इन दी स्टडिंग, पढ़ाई में उन बच्चों को जो माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह आते हैं उनको क्या मुसीबतों का सामना करना पड़ता है? द चिल्ड्रेन ऑफ द माइग्रेंट्स हैव टू फेस प्रॉब्लम इन स्टडी ड्यू टू डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, उनको क्यों सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनकी भाषा जो है वो नई जगह के ऊपर आकर बदल जाती है, इसलिए उन्हें उनकी पढ़ाई में मुसीबत आती है। नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 3, लाइक्स एंड डिसलाइक्स, कि हमारी कौन सी चीज़ें हमें पसंद होती हैं और कौन सी नापसंद होती हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं ट्रू फॉल्स से। ऑल पीपल लाइक सेम काइंड ऑफ थिंग्स, सारे बच्चों को सेम चीज़ें ही पसंद होती हैं। आंसर इज फॉल्स, सबकी अपनी पसंद होती है, सबको अलग चीज़ें पसंद होती हैं। एवरी पर्सन पोजेसेस सर्टेन क्वालिटीज़, हर इंसान में कुछ खास क्वालिटीज़ होती हैं। आंसर इज ट्रू। ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग इज लाइक्ड बाय ऑल, सबको अच्छी लिखाई जो है पसंद आती है। आंसर इज ट्रू। वी शुड नॉट टेक एक्सरसाइज, हमें कसरत नहीं करनी चाहिए, इसका आंसर क्या है, फॉल्स, हमें कसरत, हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए। मिल्क कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स, दूध में सारे पोषक तत्व होते हैं। आंसर इज ट्रू। सेकेंड पार्ट इसका, विच क्वालिटी कैन वी गेन बाय लेबर, लेबर करने से हमारे में कौन सी क्वालिटी आती है, गुड हेल्थ, हमारी सेहत अच्छी रहती है। पीपल ऑफ विच स्टेट ईट मच फिश, किस जगह के लोग जो है ज़्यादा फिश खाते हैं, मछली खाते हैं। आंसर क्या है, बंगाल, बंगाल के लोग ज़्यादा मछली खाते हैं। वट डू द पीपल ऑफ बिहार लाइक टू ईट, बिहार के लोग क्या खाना पसंद करते हैं, राइस, जिसको क्या बोलते हैं, चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई शुड वी ड्रिंक मिल्क, हमें दूध क्यों पीना चाहिए। मिल्क कंटेन्स ऑल दी नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, दूध में सारे ज़रूरी पोषक तत्व होते हैं नीडेड फॉर द बॉडी, जो बॉडी को चाहिए होते हैं, इसीलिए इसको हम कंप्लीट मिल्क भी बोलते हैं, इसीलिए दूध को पीना ज़रूरी है। विच थिंग्स अफेक्ट आवर ईटिंग हैबिट्स, कौन सी चीज़ें हमारे खाने पीने की आदतों को बदलती हैं। ईटेबल्स अवेलेबल इन द रीजन, एक जगह के ऊपर कौन सी खाने पीने की चीज़ें हैं, क्लाइमेट, वहाँ का वातावरण, एंड आवर रिचुअल्स अफेक्ट आवर ईटिंग हैबिट्स, और हमारे जो रिचुअल्स हैं, हमारे रीति रिवाज जो हैं, हमारी खाने पीने की आदतों को अफेक्ट करते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स, अब है ये है हेलन केलर के ऊपर डिपेंड बेस्ड क्वेश्चंस। हेलन केलर कुड नॉट डैश, हेलन केलर कुड नॉट सी एंड हेयर, वो देख नहीं सकती थी और वो सुन नहीं सकती थी। द स्क्रिप्ट अंडरस्टूड बाय टचिंग इज कॉल्ड डैश, जो भाषा, जो स्क्रिप्ट जो है लिखा हुआ, जो हम टच करके महसूस करके समझ सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं, ब्रेल स्क्रिप्ट। द चिल्ड्रेन वर अनेबल टू वॉक ड्यू टू डैश डिजीज, बच्चे चल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पाते हैं, कौन सी बीमारी की वजह से, पोलियो डिजीज़ की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, विच सेंस ऑर्गन्स ऑफ द ब्लाइंड पर्सन बिकम मोर एक्टिव,
कौन से सेंस ऑर्गन ब्लाइंड लोगों के ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? दोज हु आर विजुअली इम्पेयर्ड आर वेरी सेंसिटिव टू टच एंड हैव स्ट्रॉन्ग हियरिंग पावर। जो लोग विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं मतलब देख नहीं सकते, उनके जो टच करने के सेंस ऑर्गन हैं और हियरिंग के सेंस ऑर्गन हैं, मतलब उनकी स्किन जो है और उनके कान जो है, उनकी पावर जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, विच इंस्पिरेशन डू वी गेट फ्रॉम हेलन कैलर्स लाइफ? हमें हेलन कैलर की ज़िंदगी से कौन सी इंस्पिरेशन मिलती है? डिस्पाइट ऑफ फिजिकल लॉसेस, शारीरिक कमियाँ होने के बावजूद, वी कैन अचीव आवर गोल्स विद आवर स्ट्रॉन्ग विल। हम अपने गोल को अपने स्ट्रॉन्ग विल के साथ हासिल कर सकते हैं। चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी यूट्यूब के ऊपर डाले हुए हैं, 1 से लेके 8 चैप्टर मैंने ऑलरेडी डाले हुए हैं, तो आप वहाँ से चैप्टर्स को देख सकते हो, अच्छे से पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 पर, सक्सेस विद हार्डवर्क। हार्डवर्क मतलब मेहनत, मेहनत के साथ किस तरीके से हम सफल हो सकते हैं उसके बारे में ये चैप्टर है। शुरू करते हैं इसकी बैक एक्सरसाइज, फिलिंग दी ब्लैंक से। डैश एंड क्रिकेट आर इंटरनेशनल लेवल गेम्स। कौन कौन सी इंटरनेशनल लेवल गेम्स हैं? ऑप्शन आपको दिए गए हैं हॉकी एंड क्रिकेट। टेकिंग पार्ट इन डैश डेवलप क्वालिटीज सच एज कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। किस चीज़ में हिस्सा लेने से हमारा कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क और डेडिकेशन बढ़ जाती हैं? गेम्स में हिस्सा लेने से। वी लर्न डैश बाय प्लेइंग एज अ टीम। एक टीम में खेलने से हमें क्या सीखने को मिलता है? कोऑपरेशन, मतलब एक दूसरे के साथ अच्छे से व्यवहार करके, अच्छे से रह कर हम नई चीज़ें सीख पाते हैं, उसको बोलते हैं कोऑपरेशन, मतलब बिना लड़ाई झगड़े के रहते हैं। नेक्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज प्लेड एज अ टीम। इनमें से कौन सी गेम जो है टीम के जरिए, एक टीम के तौर पे हम खेल सकते हैं, कौन सी है? फुटबॉल। नेक्स्ट, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स ओलंपिक गेम्स टेक्स प्लेस। कितने सालों बाद ओलंपिक गेम्स जो हैं वो खेली जाती हैं? 4 ईयर्स, 4 साल के बाद। विच गेम्स आर ऑर्गेनाइज फॉर डिफरेंटली एबल्ड प्लेयर्स। वो प्लेयर्स जो फिजिकली ठीक नहीं होते, डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, मतलब कोई ना कोई उनमें शारीरिक कमी होती है, उनके लिए कौन सी गेम्स आयोजित करवाई जाती है? पैरा ओलंपिक गेम्स। बाय प्लेइंग डैश, गेम खेलने से हम क्या सीख सकते हैं? वही रिमेन हेल्दी, हम तंदुरुस्त रहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस पे, व्हाई शुड वी टेक पार्ट इन गेम्स। हमें गेम्स में हिस्सा क्यों लेना चाहिए? टेकिंग पार्ट इन गेम्स डेवलप अ नंबर ऑफ क्वालिटीज़। गेम्स में हिस्सा लेने से हमें काफ़ी सारी क्वालिटीज सीखने को मिलती हैं, जैसे कॉन्फिडेंस, हार्डवर्क एंड डेडिकेशन। नेम द स्कूल लेवल गेम्स। स्कूल लेवल गेम्स का नाम बताना है। गेम्स इन स्कूल्स, जो स्कूल में खेली जाती हैं, सेंटर में, ब्लॉक में, डिस्ट्रिक्ट में, एंड द गेम्स एट स्टेट लेवल। और जो स्टेट लेवल गेम्स खेली जाती हैं, ये सारे की सारी गेम्स होती हैं जो हम स्कूल लेवल में रहकर खेल सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं, क्वेश्चंस हैं आगे हमारे। क्वेश्चन नंबर 5, राइट एनी 4 इंटरनेशनल लेवल गेम्स। 4 गेम्स का नाम बताना है जो पूरे दुनिया में खेली जाती हैं इंटरनेशनल लेवल पे। हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इसके अलावा रेसेस। What do you mean by Paralympic Games? Paralympic Game का मतलब क्या है? The games organized for differently abled people are called Paralympic Games. वो games जो physically challenged लोगों के लिए बनाई गई हैं उनको बोलते हैं Paralympic Games. आगे हैं mind mapping. Mind mapping में क्या दिया गया है? Games played as a team. आपको उन games के नाम बताना है जो team में हम खेलते हैं। तो मैंने क्या लिखवाया यहाँ पे? Cricket, hockey, volleyball, कबड्डी, खो खो एंड फुटबॉल। इसके अलावा आपको अगर कोई और गेम का नाम पता है आप वो भी लिख सकते हो। आगे बढ़ते हैं इसी चैप्टर के ऊपर, मिल्खा सिंह के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। मिल्खा सिंह वॉज ऑनर्ड विद दी टाइटल ऑफ डैश सिख। मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना गया? फ्लाइंग सिख के नाम से। कंटिन्यूस एंड टायरलेस डैश इज दी सीक्रेट ऑफ सक्सेस। लगातार और टायरलेस, टायरलेस मतलब बिना थके, बिना थके क्या करना चाहिए ताकि हम सक्सेसफुल हो सके? हार्डवर्क करना चाहिए, वही हमारे सक्सेस का सीक्रेट होता है। नेक्स्ट आगे है मैचिंग। मैचिंग में क्या है? पीटी उषा। पीटी उषा कौन थी? क्वीन ऑफ ट्रैक एंड फील्ड। करनाम मलेश्वरी, आपको इनको गेम्स के साथ मैच करना है, करनाम मलेश्वरी वेट लिफ्टर थे। सचिन तेंदुलकर, जिनको मास्टर ब्लास्टर बोला जाता है, क्रिकेट के प्लेयर। मेजर ध्यानचंद कौन थे? मैजिशियन ऑफ हॉकी, हॉकी प्लेयर थे। इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जिंदगी के हर कदम पर हम कैसे सफल हो सकते हैं, हमारी सफलता का सीक्रेट, राज क्या है? कंटिन्यूस एंड टायरलेस हार्ड वर्क इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस नॉट ओनली इन द गेम्स बट इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। लगातार बिना थके मेहनत करना ही हमारे सक्सेस का राज बनता है, ना कि सिर्फ गेम्स में बल्कि ज़िंदगी के हर कदम पे हम जीत सकते हैं।